नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैरेट केक बनाना सिखाएंगे। गाजर से हलवा तो आप बहुत बार बनाए होंगे, एक बार आप केक बनाकर देखिए। यह केक बहुत आसानी से बन जाता है और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। तो चलिए आज कैरेट केक बनाते हैं। कैरेट केक बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी ग्रेट किया हुआ गाजर, एक कटोरी मैदा, एक तिहाई कटोरी पाउडर शुगर, एक तिहाई कटोरी दूध, एक तिहाई कटोरी रिफाइंड ऑयल, मावा, कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश, इलायची पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो चलिए कैरेट केक बनाते हैं। अब सबसे पहले एक बोल में लेंगे ये रिफाइंड ऑयल और उसमें डालेंगे ये पाउडर शुगर। और डाल देंगे एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे और अब डालेंगे ये मावा और मावा को भी अच्छे से मिला लेंगे। मावा को बाकी सामग्री के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब रखेंगे एक छन्नी और उसमें डाल देंगे ये मैदा और अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से छान लेंगे। और अब इसको मिक्स करेंगे। मैदा को मिक्स करने के लिए अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक साथ दूध न डालें, रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैदा को सारी सामग्री के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रेट किया हुआ गाजर और इस गाजर को भी मिला लेंगे अच्छे से। सारी सामग्री के साथ गाजर को अच्छे से मिला लिया है। अब केक का बैटर तैयार है। अब हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक केक टिन लिया है, उसको ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम नीचे थोड़ा थोड़ा और अब इस बैटर को इसमें डाल देंगे। अब हम इस केक टिन को दो तीन बार ऐसे टैप कर लेंगे और ऊपर डाल देंगे ये काजू, बादाम, पिस्ता और ये किशमिश। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप उसकी जगह डाल सकते हैं। और अब इस केक को हम पकने के लिए रखेंगे। तो आज हम केक आपको कढ़ाई में बनाना सिखा रहे हैं, तो अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। केक को पकाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें डाल दिया है ये थोड़ा सा नमक। नमक का कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि इस नमक से मैं कई बार केक बना चुकी हूँ। और कढ़ाई में एक स्टैंड को भी मैंने रखा है और इस कढ़ाई को 8-10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रखा था। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें रखेंगे इस केक टिन को और इसको ढक देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और केक को पकते समय अपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। केक को बनते हुए लगभग 35 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाकर केक को चेक कर लेते हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया केक खुला है। अब हम इसको चेक करेंगे। केक पक चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको बाहर निकालकर रखेंगे ठंडा होने के लिए। केक को बाहर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम इसको एक कपड़े से ढक देंगे इस तरह से और ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो गया है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले चाकू से
किनारों को इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेट से इसको ढककर ऐसे सीधा करेंगे और इसको इस तरह से ढक देंगे। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से केक निकल गया है। अब हम इसका ये जो बटर पेपर है हटा लेते हैं। केक से बटर पेपर हटाकर केक को सीधा कर लिया है। अब हम इसको काट कर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि केक कितना मुलायम बना है। देख सकते हैं इसको आप। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत सॉफ्ट कैरेट केक बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस विंटर सीजन इस कैरेट केक को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यह बच्चों को बहुत पसंद आएगा।